हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसे कि आपने बीते ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि एक अच्छी तेजी आपको जो है देखने को मिली थी भारतीय स्टॉक मार्केट में पूरे में, मतलब और ब्रॉडर मार्केट में भी अगर आप देखो, स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी तेजी का ही माहौल आपको दिखाई दे रहा था बेसिकली। लेकिन बात निकल कर ये आती है कि अभी की जो स्थिति है मार्केट की, वो क्या सोमवार को किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल एक देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो हैं अमेरिका दौरे पर गए हैं, वहाँ पर कुछ बड़े सौदे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े बयान भी वहाँ से जो है निकल कर आ सकते हैं। उसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन चीज़ों को मद्देनजर अगर हम देखें तो कौन कौन से शेयर्स पर असर उसका पड़ सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका में क्या हुआ था, स्टार्ट वहां से करते हैं, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे डाउ जोन्स जो है आपको फ्लैट ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था, बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम नैस्डैक की तरफ चलें एंड इसे देखें इसमें क्या था स्थिति, तो नैस्डैक में थोड़ी सी गिरावट थी। भारतीय स्टॉक्स को अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट में तो इन्फोसिस स्पेशली 0.5% से ज़्यादा की तेजी दिखा कर गया था, ऊपरी स्तर पर बंद भी हुआ था। वहीं अगर आप विप्रो को देखोगे तो विप्रो हो गया था फ्लैट क्लोज। एंड लास्ट में अगर हम HDFC बैंक को अगर हम देखें कि यहाँ पर फिलहाल सिचुएशन जो है किस तरीके की देखने को मिली थी, तो ये देखो इसमें तो एक बेहतरीन तेजी आपको दिखाई दी थी HDFC बैंक में, ठीक है। तो ये भारतीय स्टॉक्स के हालात थे। लेकिन अब बात ये है कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उस पर ना कई सारी चीज़ों के जो है इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए दिखाई देंगे। उनमें से एक प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा भी है। अब अगर हम उसके बारे में पर्टिकुलरली चर्चा करें तो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो मोदी इन US लाइव, पीएम एंड मीट्स एंड ग्रीट मेंबर ऑफ इंडियन डिस्पोरा अहेड ऑफ क्वैड समिट। तो यहां अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जो हैं अमेरिका में पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। यहाँ पर एक समिट होने वाली है, क्वाड लीडर्स की समिट यहाँ पर होने वाली है। इस तरीके की आप जानते हैं कि समिट जो है बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी समिट जो होती हैं, एंड इस तरीके की समिट में काफ़ी इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा कि फैसले वगैरह होते ही हैं। तो इस बार जब प्रधानमंत्री गए हैं अमेरिका तो सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो फिर से डिफेंस सौदों पर है। आपने देखा था कि पिछले कुछ समय में जब रक्षा मंत्री अमेरिका गए हुए थे तो भी कई सारे फैसले जो हैं होते हुए देखने को मिले थे, कई सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को, ऐसे बयान देखने को मिले थे जो कि भारतीय डिफेंस के लिए अच्छे थे, बहुत सारे करार हुए थे बेसिकली। तो अब भी उम्मीदें जो है वहीं दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही ये खबर निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, उसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस करी थी, ये खबर पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में आ गई थी एंड उस समय आपको जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिलने लगी थी डिफेंस शेयर्स पर। अब डिफेंस शेयर एक बार फिर से रेडार पर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखो कुछ समय पहले ये खबर निकल कर आई थी, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट स्काई रॉकेट बाई 78% एंड Q1 FY 2024-25 न्यू बेंचमार्क। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो खबरें निकल कर आई हैं कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 78% से ग्रो कर गया Q1 में FY 2025 के, तो ओवरऑल सिचुएशन डिफेंस के लिए तो श्योरली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड अगर आप पिछले कुछ सालों के हिसाब से देखो तो लगभग 30% की, मतलब 30 टाइम्स की जो ग्रोथ, 30 टाइम्स की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है बेसिकली। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर जो है उसमें उम्मीदें जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं, काफ़ी सिचुएशन अच्छी होती हुई देखने को मिली है। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली है तो इसका आगे भी जो है असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, इस बात के चांसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली डिफेंस के शेयर जो हैं तेज हुए भी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब किस किस पर नज़र आ जाती है। जब भी डिफेंस की बात आती है तो HAL सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर दिखाई देने लगता है, सबसे पहले जो है नाम इसी का ही आ जाता है, आपने अक्सर देखा भी है। तो अब आपको यहाँ पर नज़र और ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी हो जाती है, क्योंकि जब जब बातें इन चीज़ों की चलती हैं कि डिफेंस चलेगा, डिफेंस में ये है वो है, तो HAL तो चलने लगता है। और HAL पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा चला था एंड पिछले कुछ समय में
गिरावट भी यहाँ पर अच्छी खासी हुई है। देखो एक साल में इसने 5674 का हाई बनाने के बाद अभी आप देखो 4300 के आसपास चल रहा है। तो जिसमें ओवर वैल्यूएशन की जो सिचुएशन थी वो भी अगर आप देखोगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, लेकिन हाँ कंपेरेटिवली कम ज़रूर होता हुआ देखने को मिला है। तो अब आपकी जो है नज़र यहाँ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से, अब यहाँ पर भी आपकी नज़र जो है कम आ जानी चाहिए और इसमें अब उम्मीदें लोगों की एक बार फिर से बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये US दौरा है वो डिफेंस के तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो यहाँ तो आप नज़र रखो, लेकिन डिफेंस में सिर्फ HAL नहीं है, HAL जब भी बात होती है तो BL का भी नाम ज़रूर आता है, चाहे कम चले या ज़्यादा, लेकिन इस पर निगाह तो ऑटोमेटिकली आ जाती, क्योंकि ये दो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, आप ये बोलो सबसे टू मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं ये दोनों। मैं शेयर के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी के तौर पर बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों से बड़ी अभी डिफेंस में तो कोई कंपनी नहीं है। हालांकि कुछ और कंपनी भी है डिफेंस में काम करती है, लेकिन पर्टिकुलरली डिफेंस के लिए नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए आपकी निगाह जो है यहाँ पर भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप छोटी मोटी कंपनी के तौर पर भी देखोगे तो भी जो स्पेशली कोचिन देखो, कोचिन में आपने क्या देखा था, यहाँ पर 10% की तेजी देखने को मिली, सर्किट लग गया बेसिकली। यहाँ देखो एक साल में 2979 का हाई बनाने के बाद शेयर काफ़ी नीचे चला गया और अब इसमें एक बार फिर से तेजी जो है स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर अमेरिका में कुछ बढ़िया मतलब मुद्दों पर चर्चा हो गई, कुछ अच्छे खासे डील जो हैं अगर साइन होती हुई देखने को मिली, तो उसका फ़ायदा आप कह सकते हो कि इन शेयर्स को मेरे ख्याल से पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, फिर आपकी नज़र यहाँ पर आ जानी चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ 3 शेयर्स की बात करी, लेकिन यहाँ पर मजगांव भी है, गार्डन रीच भी है और छोटे शेयर में पारस भी है। पारस हालांकि फंडामेंटली एंड अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखो तो इतना बढ़िया दिखाई नहीं देता है, लेकिन 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 शेयर जब पूरा सेक्टर चलता है ना तो ज़्यादातर शेयर चलना स्टार्ट हो ही जाते हैं, इसलिए उन पर निगाह ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली बात हो गई इन सभी शेयर्स के बारे में, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।